ये विजुअल्स आप भारत माता चौक सीडी चौक से देख रहे हैं और ये रास्ता कनक मंडी की तरफ जाता है और मालूम होगा सोमवार बुधवार और शुक्रवार तीन दिन को होलसेल ग्रॉसरीज आप खोल सकते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण चौक है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वायलेशन करते नजर आते हैं। आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा जम्मू कश्मीर पुलिस इन एक्शन, वायलेशन करने वालों की खैर नहीं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों में रहिए। एक मैसेज सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद हम यहां पर बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से हर जगह अपनी ड्यूटीज निभा रही है, साथ ही साथ सरकार द्वारा किस तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। आप ये देखिए, ये सीडी चौक से जो रास्ता पुरानी मंडी की तरफ जाता है, यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है स्टे होम स्टे सेफ और कोरोना की तस्वीर बनाई गई है और नीचे लिखा है आ गले लग जा। हर संभव तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा समझें, जागरूक हों। तो ये विजुअल्स जो देख रहे हो आप, ये भारत माता चौक सीडी चौक से देख रहे हो और ये रास्ता जो है ऊपर पुरानी मंडी की तरफ जाता है। बहुत से लोग जो यहां से निकलते होंगे उन्होंने ये मैसेज पढ़ा भी होगा और बहुत से जो लापरवाह लोग हैं उन्होंने ये मैसेज पढ़ के इग्नोर भी किया होगा, जिनको अभी भी वेव टू की गंभीरता समझ नहीं आ रही, जिनको ये नहीं मालूम कि लगातार नंबर ऑफ डेथ, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें परसों 73 का आंकड़ा, कल 71 का आंकड़ा, तो ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि कितनी गंभीर है। लेकिन कुछ लोग इसकी गंभीरता नहीं समझते और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा समय समय पर समझाने का प्रयास किया जाता है और वायलेशन करते नजर आएंगे। अभी भी कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर जवान है, देख रहे हैं कि आखिरकार आपका कार्ड कहाँ है? कार्ड नहीं बनाया हूँ। कार्ड के बिना ऐसे थोड़ी घूमने, लॉकडाउन चल रहा है, आप वापस करिए, चलिए अपने घरों में। तो ये जाहिर सी बात है, जो असेंशियल में आते हैं या मेडिकल में आते हैं, और ये चीजें इनके एसोसिएशन को भी मालूम होनी चाहिए कि जो भी मेडिकल विभाग के हैं उनके पास जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कम से कम अपने आई कार्ड मुहैया करवाइए। क्योंकि जब सरकार ने ये कहा है, अगर हम मीडिया वाले भी कवरेज करने जाएंगे, पुलिस के जवान हमें रोकेंगे, हमारा आई कार्ड चेक करेंगे, तो हमें जाने देंगे। टेलीकॉम की बात की जाए, वहाँ पर भी ऐसा ही है। जब इस तरीके से दिन रात सुबह शाम ड्यूटीज अपनी करते हैं और कुछ लोग वायलेशन करेंगे तो अगर उनको पेनालाइज किया जाएगा तो फिर ये कहा जाता है कि पुलिस सख्ती कर रही है। और हालांकि हर एक को जो है हर एक को समझना होगा कि हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं और तो देखा जा रहा है कि मॉडिफाई सिलेंडर तो सिलेंसर जो इसका है वो मॉडिफाई तो नहीं, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। और ये भारत माता चौक की तस्वीरें हैं और अभी भी वहाँ भी आप देखिए कुछ लोग अननेसेसरी बाहर आए हैं, कुछ लोग मॉडिफाई सिलेंसर है और चेक किया जा रहा है कि मॉडिफाई सिलेंसर है या नहीं है। तो हालांकि जिस तरीके से पहले भी कहा कि वॉयलेशन जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चलान जो काटा जाएगा, और अभी तो ये हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और आरसी चेक की गई है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे या फिर आप वायलेशन करोगे तो नेचुरली बात है कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। जिनके पास परमिशन है, पासिस हैं, वो आ जा सकते हैं। जिनके पास असेंशियल, जो असेंशियल में आते हैं वो आ जा सकते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज में आते हैं आ जा सकते हैं, लेकिन जिनकी ड्यूटीज है
वो इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने आपको क्यों कहा कि कल से भगवान ना करे यार आप भी अपनी फैमिली के बंदे हो, कल आप मैं अभी तो फिलहाल ठीक हूँ, आने हाल लगाया अगर सर, आप कैसे बोल सकते हैं आपकी तो आप देखिए इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो इन चीज़ों को संभालना काफ़ी हद तक जो है वो आप देखिए पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है। हमें वो कुछ भी नहीं, आप वो बोलने के किसी की बात या कुछ भी, आप जरा इसके डॉक्यूमेंट लेकर आइए। और जिस तरीके से रोका गया और जब एक प्रोसीजर आता है मॉडिफाइड साइलेंसर, सो मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट का इसको लेके कहा गया, फिर उसके बाद ये कहा गया देखिए जी मैं पॉजिटिव हूँ और अभी फ़िलहाल ये अपना टेस्ट करवाने जा रहे हैं, इनका भी मैं नेगेटिव आ गया हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी जम्मू कश्मीर पुलिस देख रही है कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, और तस्वीरें आपके सामने हैं, अगर आप वॉयलेशन करोगे चाहे आपने आप निकले हो घरों से बाहर कोई ज़रूरी सामान के लिए अलग बात है, और अगर आप ज़रूरी सामान लेने नहीं निकले बिना मतलब बाहर आओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इतना बड़ा मैसेज जो हमने पहले पढ़ाया, मैंने क्या कहा था पहले ही आपको कि स्टे होम स्टे सेफ आ गले लग जा, कोरोना की तस्वीर बनाई है, इतना बड़ा मैसेज कुछ लोग पढ़ के अमल करते हैं और कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं, और हम अक्सर कहते हैं कि देखिए कोशिशें दोनों तरफ से होती हैं। और अभी एक बुलेट सवार को रोका गया है, एक स्कूटी सवार को रोका गया है, अब कुछ लोग बहानेबाजी करते नजर आते हैं, और आपने यही चीज़ सुनिश्चित की जा रही है कि पूछा जा रहा है। आपका बेटा बोल रहा है, आपका बेटा बोल रहा है कि इसको वीकनेस है, तो आप लोग कैसे इसको ऐसे बाहर भेज सकते हो टेस्ट कराने के लिए? टेस्ट कराने के लिए मेरी बात सुनिए, एक दो ही बंदे हैं घर के, हम मेरी मदर है मैं ही हूँ, फैमिली में और कोई नहीं है आपके? सर होता तो फिर कितने दिन पहले पॉजिटिव आए थे? कितने दिन पहले पॉजिटिव आए थे? जी पिछले बुधवार को, मतलब टोटल कितने 14-15 दिन कितने हैं? मतलब 10-15 दिन। हेलो माता जी मेरी बात सुनिए, मम्मी मेरी बात सुनिए, ये लोग ये ऐसे बाहर नहीं घूम सकते, ये पॉजिटिव है ना, जब तक उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट, आप कैसे बोल सकते हो आप पॉजिटिव? मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, कैसे बोल सकते? मैं अभी डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, वो कैसे बोल सकते हैं कि आप पॉजिटिव नहीं, जब तक आपने टेस्ट नहीं कराया, हाउ कैन यू अश्योरली से दैट यू आर नॉट पॉजिटिव? क्योंकि मेरे डॉक्टर से मैंने सीटी स्कैन वगैरह सब कराया है, टेस्ट दूसरे टेस्ट कराए, ब्लड का टेस्ट कराया, सीटी स्कैन ब्लड टेस्ट वगैरह, सीटी स्कैन कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हो इसके साथ? सर ब्लड टेस्ट करवाया मैंने। अच्छा पहले थोड़ा दूर रहे आप, डिस्टेंस रखें, मैं आप भी थोड़ा दूर रहे, आप बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव हैं, यू आर सेइंग दैट टू माय सबॉर्डिनेट दैट प्लीज डोंट टच आई एम पॉजिटिव, आपने ये कहा? सर मैं बिल्कुल एग्री, मैंने कहा मैं पॉजिटिव था 15 दिन पहले पॉजिटिव था, आपने ये बात कही कि नहीं? आप पैक मत करें, आप 15 दिन पहले मैं पॉजिटिव हूं, सर मैं जब तक दूसरा टेस्ट नहीं करवाऊंगा मैं आपको कैसे कहूंगा कि आप मेरे को टच करो?
फिर आप कैसे घूम रहे हो बाहर? सर मैं उसी के लिए तो आया हूँ, मेरे मेरे जब मेरे फैमिली में कोई मेंबर ही नहीं मेरे को हाथ लगाने वाला, तो मैं खुद ही जाऊँगा ना सर। फिर आप कैसे बोल रहे हो मैं नेगेटिव हूँ? आप बोल रहे हो, आपको डॉक्टर ने बोला कि नेगेटिव हो, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो, बिल्कुल आप एक बार टेस्ट करा लो। मैं वो तो बैलेंस गुड यार, उसका और इसका फंक्शन ही नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट चेक करो पॉजिटिव नेगेटिव, वो हो गया डॉक्टर। सर एक मिनट मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो, तुम मोटरसाइकिल रख के खुश हो जाओगे, एक बंदा इंसानियत समझते ही नहीं हो, मैं बात क्या करूं, आप निकाल रहे उसके छोड़ देंगे आप वायलेशन कर रहे हो, मैं वो बात कर रहा हूं, आप वायलेशन कर रहे हो, कोई वायलेशन की वायलेशन कर रहे हो। आपको जब टेस्ट आप टेस्ट में पॉजिटिव आए आपको बताया गया होगा कि आप होम क्वारंटीन करेंगे। सर मैं 15 दिन से कर रहा हूं, पिछले 15 दिन से कर रहा हूं। आप जी गाड़ी इसको ले जाओ वहां पे, अब वहां आपको लाएगा क्यों आप इस तरह से कर रहे हो? हम एक टेस्ट कर रहा हूं सर, आप ऐसे तो ये आपने सुनी सारी बात कि एक व्यक्ति जो है जो अभी बुलेट सवार, और उनको उन्होंने कहा पहले कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आप गाड़ी साइड पर लगाइए, आप क्योंकि एक मॉडिफाइड साइलेंसर आजकल लगते हैं, और वो मॉडिफाइड साइलेंसर जब चेक किए गए तो आवाज़ इस तरीके से आई जैसे कंपनी फिटेड साइलेंसर नहीं है, मॉडिफाइड साइलेंसर है। और ये जो बाइक सवार थे इन्होंने ये कहा कि मैं पॉजिटिव हूँ आप पीछे हो जाइए, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं नेगेटिव हो गया हूँ मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये साइलेंसर जो है ये साइलेंसर जो है वो मॉडिफाई नहीं है, वो बिल्कुल कंपनी फिटेड है। और लगातार कोशिशें जो हैं सवाल जवाब हुए, उसके बाद परिवार से बात की गई, उन्होंने कहा कि हमारे घर पे और कोई नहीं है जो इनको टेस्ट करवाने ले जा सके, इसलिए वे खुद यहाँ से जो है टेस्ट लेके टेस्ट करवाने जा रहे हैं बाइक पर। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप चलो ठीक है आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, हमें बाइक के डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। तो फिलहाल मे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी किए होंगे या नहीं होंगे, उस चीज़ को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस अभी अपना जो काम कर रही है। और ये साफ तौर पे कहा कि अगर आप कह रहे हो कि मैं पॉजिटिव था, मुझे 15-20 दिन मैंने होम क्वारंटाइन अपने आप को किया, उसके बाद जो है 15-20 दिन क्वारंटाइन करने के बाद आज मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, तो ये अगर आप कह रहे हो मैं नेगेटिव आ चुका हूँ तो आपने टेस्ट ही नहीं करवाया तो कैसे बोलोगे नेगेटिव आया हूँ? अगर आपने कहा कि डॉक्टर से लगातार कंसल्ट में हूँ, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, क्योंकि अलग अलग बार बात पर जी अपनी जो स्टेटमेंट है वो बदल रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बार बार सवाल पूछ रहे थे कि आपने पहले पॉजिटिव कहा अपने आप को, फिर कहा कि मैं नेगेटिव हूँ, उसके बाद आपने ये कहा कि मैं डॉक्टर को टेस्ट करवाने जा रहा हूँ, तो बहुत से सवाल थे। उनका चलो ठीक है आप डॉक्टर को टेस्ट करवाने जाइए, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप चले जाइए, अगर तो आप पॉजिटिव हैं तो आपको एक हिदायत है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप अपने घरों पर रहिए, होम क्वारंटाइन अपने आप को कीजिए, आप इस तरह बाहर नहीं घूम सकते। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और यही बातचीत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के बीच में और इस व्यक्ति के बीच में चल रही है फिलहाल। और उन्होंने ये कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए और जाइए, आप जो टेस्ट करवाने जा रहे हैं जाइए। लेकिन कभी इनका ये कहना है कि ये पॉजिटिव है, कभी इनका ये कहना है कि मैं नेगेटिव आ चुका हूँ और ये मैं अभी टेस्ट करवाने जा रहा हूँ बाकी के, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस आप देखिए कि फिलहाल वही पूछताछ कर रही है, क्योंकि इन्होंने घर पे बात करवाई, उनका कहना था कि 15-20 दिन पहले ये पॉजिटिव थे, उसके बाद इन्होंने होम क्वारंटाइन रहे, उसके बाद ये नेगेटिव आ गए, तो कभी ये अपने आप को पॉजिटिव बता रहे हैं, कभी अपने आप को नेगेटिव बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं मैंने टेस्ट करवाने जाना है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप वायलेशन नहीं कर सकते, आप बैलेंस उल्लंघन नहीं कर सकते, आप जो हैं अगर तो आप पॉजिटिव हैं तो आप इस तरह बाहर घूम कर बाकियों की जान को खतरा नहीं डाल सकते, ताकि बाकी लोग इस कोविड की चपेट में ना आ जाए। और अगर फिर दूसरी बार कहते हैं कि जी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 15-20 दिन से घर पे हूँ और अब मैं नेगेटिव हो चुका हूँ, तो ये बहुत से सवाल जवाब जो हैं वो चल रहे थे। और उसके बाद अब सिर्फ इनसे ये पूछा गया कि चलो ठीक है आप टेस्ट करने जा रहे हैं आप जाइए, लेकिन बाइक के जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। अब मे भी डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी किए हुए, तो उसी चीज़ को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है।
वहां पर भी आप देखिए, बिना मतलब बाहर निकलेंगे तो बहुत गलत है। फिर देखिए आप, ऐसे करना पड़ता है कि वापस जाइए। सबको मालूम है, सबको मालूम है कि बिना मतलब बाहर नहीं निकलना, सबको मालूम। एक बार दोबारा से अपने व्यूअर्स को ये मैसेज पढ़ाना चाहूँगा, और ये मैसेज पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मैसेज पढ़ाने के साथ साथ इस मैसेज पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ, ये मैसेज पढ़ना और इसको अपने जहन में बिठाना बहुत ज़रूरी है। स्टे होम, स्टे सेफ, ये आ गले लग जा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोविड 19 की वेव 2, नंबर ऑफ केसेस 73 डेथ डे बिफोर यस्टरडे, 71 डेथ लास्ट नाइट, रिकवरी रेट अच्छा है हिंदुस्तान में भी, जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन डेथ का रेट जो है वो रुक नहीं रहा, और अगर इसी तरीके से लापरवाही करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। ये विजुअल्स आपके सामने हैं, मैंने पहले ही कहा कुछ लोग ये मैसेज पढ़ के, हालांकि कोशिशें हमारी तरफ से भी रहती हैं कि मैक्सिमम मैसेजेस पहुंचाए जाएं और हर एक चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जाए, और कोशिशें डॉक्टर, आप कैसे बोल सकते हैं विदाउट रिपोर्ट कि ये नेगेटिव है? वही ना, ये बंदा कभी बोल रहा है मैं नेगेटिव हूँ, कभी बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूँ। यू कांट से अश्योरली दैट ही इज नेगेटिव सर, यू कांट से अश्योरली दैट ही इज नेगेटिव। There is no need, but he can still be positive. Sir, दुकान से लड़के को खाना दे दिया। I am saying that there is no need to retest, but he can still be positive. अब जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ लोग बिना मतलब बाहर घूमेंगे, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका लगा, लेकिन यहाँ से रॉन्ग साइड जाना है, रॉन्ग साइड जाना है, और आप यही कह रहे हैं यहाँ पर आप पार कीजिए और पैदल जा सकते हैं, ये रॉन्ग वे है, ये वन वे है, और यही चीज़ इनको कही जा रही है कि आप वायलेशन मत कीजिए। और हालांकि आज बुधवार है और कनक मंडी में जो होलसेल ग्रॉसरीज हैं उनको परमिशन है खुलने की, अभी भी एक बार चाहूँगा, वो सामने मेडिकल की दुकानें हैं, वहाँ पर आप देखिए लोगों को खुद चाहिए थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के रखें, लेकिन एक के साथ एक चिपके बैठा है। अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो बहुत से लोगों को ऐसा भी लगेगा कि देखिए अब यहाँ पर भी, लेकिन दो गज की दूरी है, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अभी फ़िलहाल देखिए आप यहाँ से आप खुद देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी संतुष्टि की और उसके बाद भेज दिया गया, लेकिन एक 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 रवैया होता है, एक एक एटीट्यूड होता है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो बड़ा अहम भूमिका इस समय, जो अभी आपने कुछ देर पहले सुना कि कभी वो व्यक्ति कह रहे थे मैं पॉजिटिव हूँ, कभी कह रहे थे नेगेटिव हूँ, डॉक्टर से बात की इन्होंने, उसके बाद इनके परिवार से बात की, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन से लेकर रात तक पूरे 24 आवर्स जब ड्यूटीज़ के दे रहे हैं, तो आप सीधा सीधा आप इनसे बात करने का प्रयास करें आप, और जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, बातचीत की, और बिल्कुल साफ कहा, डॉक्टर का कहना यह था कि देखिए अगर आप पॉजिटिव आते हो आरटीपीसीआर में या रैपिड में, और आप 20 दिन रेस्ट करते हो, उसके बाद टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी कैसे होगी जब दूसरी बार टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पता लगेगा
कि आखिरकार आप फिर भी तो पॉजिटिव रह सकते हो। क्या कोई अगर पॉजिटिव आया है 20 दिन वो घर पे जो भी प्रिकॉशंस लेते हैं वो लिए गए। सर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, जो अभी हमने देखा हमारे तमाम चैनल के वीडियो विजुअल से जरिए देखा, एक व्यक्ति पहले पॉजिटिव कह रहा था फिर नेगेटिव कह रहा था, अपने डॉक्टर से भी बात की, घर से भी बात की और अलग अलग बयानबाजी, कभी यहाँ रह रहा हूँ, कभी आधार कार्ड तलाश लोगों का निकला। इस तरह के जब लोग निकलते हैं बाहर तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है समझाना उनको, क्योंकि साफ तौर पर जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बड़ा लिखा हुआ है घरों पे रहिए, लगातार समझा रहे हैं, तो इस तरह के जब लोग आए तो देखा देखी लोग और ही बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। सर जे एंड के पुलिस का सबसे पहले प्रयास यही है कि जितनी अननेसेसरी मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए जी। तो उसी सिलसिले में हम अभी यहाँ पे खड़े थे तो हमें एक शख्स मिला जिसने पहले हमें बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ, मुझसे दूर रहिए जी। तो हमने जब वेरिफिकेशन उसकी की तो वो 15 दिन पहले पॉजिटिव आया था, उससे उसके डॉक्टर से हमने बात की, जहाँ वो अंडर ट्रीटमेंट था, होम क्वारंटीन था, अंडर ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये अभी परफेक्टली ऑलराइट है, अपनी जो रिकवरी कर चुके हैं और लेकिन अभी थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हुई थी रात को, तो डॉक्टर ने कहा कि हैव सिटी स्कैन के लिए उनको भेजा था। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं या लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको जितना हो सके खुद से रिस्ट्रिक्ट करें। बिल्कुल, पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोग, क्योंकि हम देवदूत नहीं है, बिल्कुल हम भी इंसान हैं, हम भी आप लोगों के बीच में हैं, हमें भी अपनी फैमिली से हमें उनको भी देखना है। आम पब्लिक सहयोग नहीं, आम पब्लिक जब तक सहयोग नहीं करेगी तो पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में अभी पेंडेमिक का कितना सेकेंड वेव चल रही है, इंडिया में तो काफ़ी डिजास्टर सिचुएशन है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग या आप लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक जनरल पब्लिक अपनी ओर से जागरूक होके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करे, अपनी जो घर में बैठे मास्क का यूज़ करें, हो सके तो घर में भी, क्योंकि आप लोग अगर बाहर आ रहे हो तो घर जा रहे हो क्या पता आप इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो। बिल्कुल, मे भी आप इन्फेक्शन कैरी कर रहे हो तो घर में जा रहे हैं, घर में भी मास्क पहने, घर में भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मैं भी क्योंकि टेस्टिंग सबकी पॉसिबल नहीं है और लोग खुद भी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है माइल्ड सा फीवर है या कुछ भी है, ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, सिम्टम शो हो रहे हैं तो आप लोग टेस्टिंग करवाएं, टेस्टिंग से ना घबराएं, होम क्वारंटीन रखें खुद को, अपनी देखभाल खुद करें, अपनी फैमिलीज के साथ रहें, उनकी केयर में रहें ताकि आप इस पेंडेमिक को जो है इजिली टैकल कर सकें, अदरवाइज सिचुएशन डिजास्टर्स हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये बड़ा अच्छा मैसेज है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा दिया जा रहा है। और आपने देखा भी, कल भी हमने अपडेट किया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात की जाए, उनको असेंशियल आइटम्स घर में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी भी आप देखिए हर चौक पर इसी तरीके से आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो समझाते नजर आएंगे। और यही बात इन्होंने कही कि अननेसेसरी आप घरों से बाहर नहीं निकलिए, घर पर सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बॉयस के साथ शाम जी साथ राहुल खत्री बाहु एक्सेस के लिए। कहाँ से घूम रहे हैं, मेडिसिन के लिए दो आदमी क्या होते हो?